आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ जिला सचिवालय से, आपके अपने चैनल आपको बताना चाहेंगे ये जो सभी लोग यहाँ पर प्रतिमा लेकर खड़े हैं उसके चलते यहाँ पर लोग पहुँचे हैं प्रशासन की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि आपको संज्ञान में भी है कि किस तरीके से जो है मूर्ति पर जो है प्रतिमा पर जो है बालिक पहुँचने का कुछ शरारती तत्वों ने कार्य किया था और इसके चलते जो है एसपी साहब ने लोगों को एक अवधारणा दिया था कि एक हफ्ते में जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ये लोग प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा है इनके द्वारा, ये कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई है। बातचीत करते जानते हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं। हाँ जी सर, क्या जी गाँव भासो के अंदर 9/5/2022 को बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर गांव के असमंजस तत्वों द्वारा गोबर लगा दिया गया था, जिसकी लिखित शिकायत इंद्री थाने में हमारे द्वारा की गई थी और उनके नाम एरा वगैरह सारे सबमिट करा दिए गए थे और एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, मगर अब तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 13 तारीख को हमने इंद्री थाने का घेराव किया था, वहाँ पे भी जो डीएसपी मनोज है वह वीर सिंह जी डीएसपी हैं, उन्होंने 3 दिन का समय लिया था। 3 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हमने 9 तारीख को डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर प्रदर्शन किया और जो सेक्रेटरीट हमारा ये है एसपी ऑफिस इसका घेराव के लिए हम सब आगे आए और प्रदर्शन किया। उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एसपी साहब हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था। अभी 1 हफ्ते के अंदर जिन्होंने परम पूजनीय बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 1 हफ्ते का टाइम लेने के बाद आज 1 हफ्ता खत्म होता है। तो कल मेरी उनसे बात हुई थी फोन पे, मैं कहा आदरणीय एसपी साहब आपके द्वारा व पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वो बोले भी कल आप आओ और यहाँ पे आकर के बात करो, आप मिलो हमारे से। तो आज एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब से हम मिले। एसपी साहब बोल रहे हैं कि मैंने यह मैटर सीआईओ को सौंप दिया है, सीआईए 2 को, और इसकी जो अगली कार्रवाई है सीआईए 2 करेगी, मगर 1 हफ्ते का समय बार बार एक हफ्ते का समय पुलिस मांग रही है। क्या इतनी कमजोर है हमारी पुलिस, क्या इतना कमजोर है हमारा प्रशासन कि भाई इन अपराधियों को जिनके नाम लिखित में भी दे रखे हैं उनको अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जिनकी एफआईआर भी हो जाती है उनको गिरफ्तार नहीं किया, और संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अपमान नहीं संपूर्ण देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। एक सांप्रदायिक दंगा भड़काने का प्रयास गांव वासियों में असमंजस तत्वों द्वारा किया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आप सब इस आवाज को आगे बढ़ाएं और समाज को दिखाएं कि ऐसा कार्य करनाल के अंदर हो रहा है, इंद्री के अंदर हो रहा है, कि भाई परम पूजनीय बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा है उनके लिए ही इंसाफ मांगने के लिए आज लोग सड़कों पर आ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जो न्यायपालिका है वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर रही है? तो ये चीजें मीडिया के माध्यम से मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि भाई हमें इंसाफ मिले और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जिन असमंजस तत्वों ने गांव वासियों के अंदर अपमान किया है उनको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सजा मिले। अगर सर क्या कार्रवाई पूरी